दादाजी, दादी जी से मिलने का मन कर रहा है। उन्हें हमारी याद क्यों नहीं आ रही है? दादाजी, दादी जी आएंगी ना? आएगी बेटा, वो जरूर आएगी। हम ऐसी स्थिति में है, ये माँ जी को कैसे पता चलेगा? हाँ, इतने दिन हो गए उनकी कोई खबर नहीं है। हाँ, माँ जी जिंदा भी हैं या वो भी हमारी तरह? वो जिंदा होंगी, मेरा दिल कह रहा है कि वो जिंदा होंगी। माँ के लिए हमारा ये घर स्वर्ग है। मुझे यकीन है वो वापस जरूर आएंगी, और माँ के आने तक हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, लेकिन इतना डराने के बाद भी ये लोग यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे। उन्हें सबक सिखाने का वक्त आ गया है। ऐसा हाल करूंगा कि दुम दबाकर भाग जाएंगे वो लोग। समझ के क्या रखा है भूतों को? फट जाएगी। अबे मुन्ना, आज अप्रैल फूल नहीं है जो तुम्हें फूल बना रहा है। अबे भूत, तेरे पीछे भूत है। कहाँ है? आओ चोटी, बाबा जी की बूटी। क्या हमारी शक्ल पे लिखा है कि हम चंपू हैं? तेरे को लगा कि हमारे दिमाग में भूसा भरा है? तेरी अकल ठिकाने कैसे लानी है हमें पता है। अगर ज्यादा बोलेगा तो तेरी चोटी काटकर तेरे हाथ में रख देंगे। आओ मुन्ना। मुझे खोल दे भगवान के लिए, मुझे जाने दे, जाने दे। तूने शेर से पंगा लिया है बाल की दुकान। शेर को तूने फोटो में देखा होगा, टीवी में देखा होगा, ज्यादा से ज्यादा कहीं जू में टिकट लेकर देखा होगा। लेकिन मैं जू का शेर नहीं हूँ। जंगल में खुलेआम शिकार करने वाला शेर खड़ा है सामने, जिसकी एक दहाड़ से सामने वाले का कलेजा फट जाता है। इस शेर का पंजा अगर पड़ता है तो इंसान गंजा हो जाता है। टकला बनेगा? आजा। मुझे खोल दे, मुझे जाने दे यहाँ से यार। अरे शांत, बेकार में डर मत। सुन राजू। सर, आप बोलते ही कुर्सी अपने आप आगे आ गई। ये जरूर भूत का काम है सर। अरे कोई भूत भूत नहीं है, ये सब तुम लोगों का वहम है। नहीं भूत है यहाँ पर, देख अपने आप कुर्सी आगे आ गई, देखना तू। अच्छा, जांग पे मारने से कुर्सी आगे आ गई, तो फिर से मार के देखता हूँ क्या होता है। नहीं 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 नहीं, मत मार, मार नहीं। क्या हुआ, कुर्सी हिली क्या? वहीं की वहीं पर। सर, जोर से जांग पर हाथ मारिए। अब हिले, जोर से मारता हूँ। मैंने कहा था ना, था से मैं उड़ जाऊंगा, मैं उड़ गया। नीचे क्या हो रहा है? अरे राजू भाई, अरे ऐसा मत करो, नीचे आ जाओ। राम, जल्दी यहां से भाग के आ, चल। ऊपर वाले, बचा ले, बचा ले, मुझे चक्कर आ रहे, बचा ले, बचा ले, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता हूँ, ले ले मुझे। अरे ये इतना बड़ा सलिया क्यों लेके आया? ये नड़ी असलियों में घुस जाएगा तो मैं मर जाऊंगा। मर गया, 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 बचाओ। अरे 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 अरे, क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ, मर गया, मर गया, तुम ठीक तो हो ना? आराम से। तुम माँ को लेकर यहाँ पर क्यों आ गई? माँ तुमसे मिलने की बहुत जिद कर रही थी, मैं क्या करती, इसीलिए उन्हें यहाँ लेके आई। सर, यहाँ भूत है, चलिए चलिए, जल्दी चलिए। भाग्यवान है। म
माँ माँ उनके पास मत जाना, वो भूत है माँ, वो तुम्हें मार देंगे, माँ रुको, माँ माँ मेरी ये सब क्या हो रहा है माँ? कोई दादी कह रही है, कोई शांति कह रहा है, कोई माँ कह रही है, ये सब कौन है माँ? आरती लीजिए। पापा मुझे एक बिजनेस प्रपोजल मिला है। हाँ हाँ। उसके लिए मुझे दुबई जाना होगा माँ। मेरा दोस्त मुझे वर्किंग पार्टनर बना रहा है, मुझे बहुत फायदा होगा। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, सिर्फ एक साल की बात है, बाद में सब सेट हो जाएगा। यहाँ के बच्चों के विदेश जाने पर हमारे देश के कई सारे घर वृद्धाश्रम बन चुके हैं बेटा। तुम पढ़े लिखे काबिल इंसान हो, यहीं पर कुछ शुरू कर सकते हो ना, हमारी आंखों के सामने तो रहोगे। माँ तुम ही कहो ना माँ, ये मेरे भविष्य का सवाल है पापा, बोलो ना माँ। एक साल की तो बात है, वापस आ जाएगा। जी ठीक है डॉक्टर साहब। बिजनेस में लॉस होने की वजह से मैं बहुत बड़े कर्जे में आ गया हूँ। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो इतने सालों में कमाई हुई इज्जत नाम सब मिट्टी में मिल जाएगा पापा। इसमें मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? अगर ये घर बेच देंगे तो। क्या ये घर बेचने के लिए कह रहे हो? यहाँ हमारे दादा परदादा सदियों से हमारा परिवार यहाँ रहता आया है बेटा। अच्छा एक बात बता, ये घर बेचकर हम सब कहाँ जाएंगे? मैं आपको और माँ को दुबई ले जाऊंगा पापा। हम दोनों तो आ जाएंगे बेटा, पर इन बेचारों का क्या होगा? अरे जब आपका सगा बेटा आपके साथ है तो इन अनाथों का क्या काम? इन्हें जहां से लेकर आए वहीं छोड़ दीजिए ना। अनाथ ये लोग नहीं है बेटा, एक जवान बेटे के होते हुए लावारिसों की तरह हम जो जी रहे हैं ना, हम अनाथ हैं। तेरी माँ को जब अमनीसिया हुआ और वो बार बार सब भूल जाती थी, तब इसका ख्याल रखने की ताकत हिम्मत मेरे अंदर नहीं थी। तब हमारे इस संकट के समय में संकट मोचक बनकर आने वाले यही लोग हैं। ये घर मैं नहीं बेचूंगा, इस घर के असली हकदार ये लोग हैं। श्रवण रुक जा बेटा। शांति जाने दो इसे। सुनिए तो, ये यहां आया था सिर्फ पैसों के लिए, पैसे नहीं मिल रहे हैं ये पता चला तो जा रहा है, जाने दो इसे, रो क्यों रही हो? बेटा श्रवण शांति, अपने पति और घर से ज्यादा तुम्हें अपना बेटा प्यारा है तो जाओ, उसी के साथ चली जाओ। बेटा उस रात को हम सो गए इतना ही पता है, उसके बाद क्या हुआ, हम कैसे मरे, हमें कुछ भी नहीं पता। Huh?
आपकी तकलीफ के सामने हमारी तकलीफ तो कुछ नहीं। भगवान, आप जैसी किस्मत किसी की भी नालिक है। उस राक्षस दरिंदे को तो सजा मिलनी ही चाहिए, तभी इनकी आत्माओं को शांति मिलेगी। ये सही कह रहे हैं। हेलो, आज मैं जब पेंडिंग केसेस चेक कर रहा था तब मुझे ये फाइल मिली। ये रघुपति की दी हुई मिसिंग कंप्लेंट है। रघुपति से पूछताछ करने पर मुझे पता चला कि तुम्हारी माँ उसके घर के बाहर उसे बेहोश पड़ी मिली। जब उन्हें होश आया तो उन्हें पिछला कुछ भी याद नहीं था। उनके घर वाले जब तक नहीं मिलते उन्हें हमारे घर में ही रहने दीजिए, ऐसा कहकर रघुपति उन्हें अपने साथ ले गया। ये फाइल पढ़ने के बाद ही पता चला कि तुम कितने बड़े कमीने हो। मैंने अपनी सर्विस में कई विलन्स देखे हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा नौटंकी विलन कभी नहीं देखा। मैं भी पुलिस की वर्दी में छुपा हुआ एक विलन ही हूं। ये 1 रुपया ले और तेरी सारी जायदाद मेरे नाम करके वापस दुबई लौट जा, वरना सारी जिंदगी जेल में सड़ता रह जाएगा।